करण जोहर ने लगता है मस्त कोई मिल गया क्या इंस्पायर लेके पैसा डाल दिया ऐसा लगता है। शाहरुख ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट अ रणबीर कपूर मूवी, इट्स अ शाहरुख खान मूवी। दीपिका भी लाइक, कटरीना भी लाइक, ये साला इसका आग से इतना बड़ा रिलेशन है तभी हमसे खेल के चला गया ये। हेलो वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र द मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉलीवुड की एंड द मोस्ट अवेटेड रिव्यू ऑफ आवर थ्री इडियट्स। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे थ्री इडियट ब्रह्मास्त्र देख के शुरुआत करूंगा मैं फर्स्ट इडियट गोलू से। पहले तो स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। धन्यवाद। थैंक यू। कैसी लगी अयान मुखर्जी डायरेक्टेड ब्रह्मास्त्र? नहीं बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, मतलब सब लोग के लिए ट्रीट था। और जैसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे, अभी तो रिवील करना बनता भी है कि रूमर्स पहले से थे, हमारे शाहरुख सर बादशाह ऑफ बॉलीवुड उनका कैमियो होगा, उनके पास कौन सा अस्त्र था वो नहीं बताऊंगा, वो देखने लायक अस्त्र है पर बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने। और रही बात हमारे फिर नागार्जुन साहब की भी, मेरे हिसाब से उनका स्क्रीन प्ले बहुत छोटा कर दिया है लोगों ने, थोड़ा और रखते ना तो और एंगेजिंग होता और मज़ा आता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टाइटल है ना ब्रह्मास्त्र, इससे मेरे को बहुत दुख है। क्यों क्या हो गया, क्यों दुख है? नहीं यार इसका नहीं नहीं, इसका नाम ब्रह्मास्त्र हटा के प्रेम अस्त्र रखना चाहिए था। यस लव अस्त्र। क्यों मालूम है? पिक्चर का जो प्लॉट है वो चल रहा है अस्त्रों के ऊपर, पर जो बीच बीच में इनके प्यार की जो बकचोदियाँ चल रही है ना वो अलग लेवल पे है भाई। वो जो डायलॉग था ना क्या हो तुम, वो बोलती कौन हो तुम, अरे भाई ये लव स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती? हमारे टाइम पे तो इतना ही होता था हाय त्याच्यानंतर जेवलीस का विषय तिथे संपायचा। हे नवीन लव स्टोरी है अभी के जनरेशन की, क्या हो तुम कौन हो तुम आईला जादू। नहीं लेकिन यार इसके लिए प्रेम अस्त्र होना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था ये लोग का मिलना जुलना। और फिर उस पर एक सीन भी है जहाँ पे वो लोग मिलते हैं एक जगह पे जाते वक्त जर्नी में, तो उसके हाथ में आग लग जाती है रणबीर सर के। तो यस तो वो बोलती ये क्या ये, तो बोलती कि वो बोलता है कि आग से मेरा कुछ अलग ही संबंध है, अलग मेरा रिलेशन है आग से जलता नहीं हूँ। यस तो वही ना, दीपिका भी लाइक, कटरीना भी लाइक, ये साला इसका आग से इतना बड़ा रिलेशन है तभी हमसे खेल के चला गया ये। आग इधर लग ले, जल हम लोग रहे, जल हम लोग रहे। एसआर के सर नहीं बच पाए, मनवा लागे में जल के राख हो गए थे यार, रणबीर बच गया मतलब बहुत बड़ी बात है सच में, वो अग्नि अस्त्र के लायक है मैं तो बोलता। नहीं लेकिन जो कैसा पार्ट बाजू में रखते हैं, एसआर के सर का कैमियो जो था वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ फुल फिल्म। और साथ में नागार्जुन साहब का तो वाह ही वाह, क्या ही बात करें, उनको और देना चाहिए था। तो इस लाइन में हमारे बच्चन साहब भी कहीं पीछे नहीं रहते, बच्चन साहब बोलते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात हमेशा वो बोलते ना साबित कर देते। और रही बात हमारे जितने भी बच्चे थे उसमें एक टांगजी करके था जो पवन अस्त्र था, यस 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 यस, वो बच्चे का भी बहुत अच्छा काम किया, वो लड़का बहुत क्यूट लग रहा है। बट लास्ट नॉट लीस्ट आलिया मैम, क्यूट दिखते हो आप लेकिन ये जो पिक्चर बनी है ना ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा सिर्फ ये दोनों कपल के लिए कि देखो ये हमारी शादी हुई थी और ये देखो हमारी लव स्टोरी की पहली पिक्चर यहाँ से शुरुआत हुई थी। शादी हनीमून सब यही इसमें ही हो गया था बच्चों को दिखाने के लिए। तो मेरे हिसाब से पार्ट वन शिवा ब्रह्मास्त्र नहीं, पार्ट वन शिवा विद पार्वती देवी जी को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा ये ब्रह्मास्त्र हटा के प्रेम अस्त्र होना चाहिए। मुंबई बोलो आता हूँ सेकंड के पास। जी 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 बड़ी कैसी लगी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा? क्या बोलो, प्रेम अस्त्र बराबर बोले। पर अभी जोक सपाट, ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी पिक्चर है क्योंकि साढ़े आठ साल लेके उन्होंने बनाई है, सबसे बड़ी बात है। एंड वो जो मेहनत है ना, मेहनत दिख रही है मूवी में। अभी कुछ कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ कुछ बातें बुरी भी है। अभी अच्छी बातें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस, वी वेर थिंकिंग कि ये रिवील ना करे लेकिन ऑफकोर्स रिवील हो चुकी है। ये बात हमको पिक्चर से पहले भी हमको हिंट आई थी कि SRK की स्पेशल अपीयरेंस होने वाले, बिकॉज जहाँ करण जौहर आते हैं शाहरुख खान का प्रेजेंस मतलब क्या बोले, होना ही चाहिए। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें दी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है।
और अभी रणबीर कपूर की एक पिक्चर आई थी, उसमें भी स्पेशल अपेयरेंस थे, है दिल है मुश्किल, यस 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 यस, बहुत मुश्किल से चली वो बात अलग है, लेकिन अभी इस पिक्चर की अगर बात करें तो VFX और 3D effects बाप लेवल की बनाई है, बाप लेवल के VFX 3D effects की अगर बात करो, सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी उन्होंने, स्पेशली क्लाइमैक्स में जो बताया, अभी देखो चारों तरफ आग लग रही है, रणबीर कपूर को छोड़ो आग से रिलेशन है कुछ, बट आलिया भट्ट शी इज़ अ हमारे जैसे नॉर्मल है, वो मतलब कि ऐसा हग कर रही है रणबीर कपूर को, ये मतलब उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है ना यार, हाथ जलते भी दिखा, हाथ जलते थोड़ा, देखो देखो वो सब तो ठीक है, बट थोड़ी बहुत इल लॉजिक, दिस इज अ बियॉन्ड साइंस, उन्होंने थोड़ी बहुत दिखाई, ठीक है, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड साइंस दिखाई है, हमारे मैं बताना चाहूंगा जो हमारे सेकंड इडियट है वो साइंस के स्टूडेंट, अच्छा वो अच्छा वो, एग्जाम से पहले ये मूवी मैं नहीं देखने को गया, अभी एग्जाम के लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी ठीक है, अभी अच्छी बातें करते हैं, शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी सीन मिस मत करिए, फर्स्ट के 15 मिनट्स मतलब पैसा वसूल, शाहरुख ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट अ रणबीर कपूर मूवी, इट्स अ शाहरुख खान मूवी, ऐसा दिखा दिया उन्होंने, जबरदस्त। अभी लव स्टोरी की बात आती है, रणबीर एंड आलिया, मिस्टर एंड मिसेस कपूर, रियल लाइफ में दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, यस लाइफ ऑल्सो, अभी तो जूनियर कपूर भी आने वाले, वो है ब्रह्मास्त्र वो तो है, बट रणबीर ना आलिया कपूर को जानते, आलिया ना रणबीर कपूर को जानते, मूवी में पहली मुलाकात में रणबीर आलिया पे मर जाता है, यानी प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, वो क्या बोलते हैं एस्केलेटर में ना वो कुछ तो, नहीं लिफ्ट, सॉरी लिफ्ट वाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई होप सो, वो तो कॉमन बात है, तो वहाँ जाते हैं, बोलते हैं आलिया भट्ट को, बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अच्छा। ऐसे कुछ बोलते हैं, फ़ोन नंबर दो, आलिया भट्ट भी ऐसे शर्मा रही है, अभी असली लाइफ में अगर लड़कियों के से हाय बोलने के लिए भी डरते हैं, ऐसे अनजान लड़कियों को कौन आई लव यू बोलता है भाई, ये कहाँ की लॉजिक है, ये लव स्टोरी मुझे थोड़ी पकाव लगी, जौहर की लव स्टोरी है, हाँ उनके मतलब लव स्टोरी ही इंस्पायर्ड है, इस लव स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम करण जौहर, क्योंकि कुछ कुछ होता है देख लो, कभी खुशी कभी गम देख लो, उसके बाद अलग है, बट ठीक ठाक थी, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा ये सब स्टोरी आप हटाओगे तो 3D effects और विजुअल्स एक नंबर बनाई है, सेकेंड हाफ की बात हम नहीं करते, थोड़ी बहुत उन्होंने कर दी गड़बड़ हो गई, हमारे सेकेंड इडियट अब, यस बट इट्स अ वॉचेबल, एक टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ओनली इन 3D में एक्सपीरियंस करना, 3D में एक्सपीरियंस करना कह रहे हैं, yes. मुंबई विघ्नेश आता हूँ थर्ड के पास में, हाँ जी सर जी, प्रेम अस्त्र होना चाहिए था, ब्रह्मास्त्र नाम हटा के, आप क्या कहना, ब्रह्मास्त्र ऑन द वे है सर, ऑन द वे, ओके ये देखो ब्रह्मास्त्र स्पॉन्सर्ड बाय कोई मिल गया जादू ब्रह्मास्त्र बनाया तू देखो मेरे से भी डेंजर बना है, देखो मतलब बोलते ना इतना छोटा आदमी इतनी बड़ी फिल्म बना दी भाई, मैं तो बोलूँ करेक्ट, एक बंगाली आदमी ने ना लिटरली बताता हूँ अमित तुम्हार के भालू फाशी, आज मैं खुद बोल दिया बंगाली में, आई लव यू अमित तुम्हार से भालू फाशी, मुझे फिल्म बहुत पसंद आ गई, पसंद आ गई पिक्चर, माय गॉड बॉलीवुड की पिक्चर थर्ड इडियट को पसंद आना मतलब धमकी नहीं आएगी, और पहली बात और हेट भी नहीं आएंगे, और पहली बात मैं मुंह पे बोलता हूँ मैंने पैसा खाया है मैं बोलता हूँ आपने गोलू से कि विघ्नेश से, मेरे नहीं, नॉट करण जौहर, नॉट आयन मुखर्जी, नॉट रणबीर कपूर, नॉट नागार्जुन, नॉट अमिताभ बच्चन, सिर्फ मेरे पापा से पैसा खाया, पापा से पैसा खाया, पापा बोले जा पिक्चर देखने जा, आज मैं तेरे को पैसा देता हूँ, जा पिक्चर देख के आ, मतलब बच्चे लोग के लिए इट्स अ ट्रीट, बड़े लोग के लिए भी है, लेकिन जो लोग ज़्यादा लॉजिक ढूंढते हैं ना, मतलब आई एम सॉरी नॉट फॉर यू बट साइंस बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी उन लोग के मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एज एन आपको एंटरटेनमेंट पर्पज चाहिए ना तो फिल्म में भर भर के, ओके, लेकिन मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा, आयन मुखर्जी द बंगाली बॉय बोलूँगा उनको मैं, बंगाली बॉय नॉट बाय, भाई ने 10 साल दी, क्योंकि 10 साल में भी भाई बंद ने करके दिखाया, मैं बोलता हूँ ना भले ही सेकेंड हाफ में ना छोड़ो स्क्रीन प्ले में बोलो इग्नोर कर दिया भाई, मैंने सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स पे ध्यान दिया यार, टेक्निकल एस्पेक्ट से बोलूँगा ना भाई टेक्निकली क्या सलाम कर दूंगा भाई उनको, क्या एक एक डिटेलिंग दे दिया रे, मतलब एक आप ऐसा अस्त्र मार के ऐसा जो VFX दिखा ऐसा मारते हो ऐसा आग पे हम लोग खुद डर गए, मैं गोली विघ्नेश तीनों डर गए,
अरे बोला क्या क्या इफेक्ट दिए थे यार, मतलब एक साउंड बोलो, उनका कलर ग्रेडिंग बोलो, उनका एक्टिंग बोलो, उनका डायरेक्शन बोलो, इनफैक्ट शाहरुख खान का एमी एकदम एकदम मैजिक कर दिया थिएटर में। और लिटरली तो मैं लिटरली गला बैठ गया थोड़ा थोड़ा, कल गणपति से मैं उधर चिल्लाया कि इधर भी आज चिल्लाया, लिटरली मेरा गला बैठ गया थोड़ा, इतना चिल्ला रहे ना हम लोग। अरे बस रे बस, मल्टीप्लेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्स में हम लोग ने लिटरली वो मासी वाला फील दे दिया। और सबसे पहली बात, अपने अस्त्रों का देवता रणबीर कपूर, वो तो लड़की लोग का तो ऐसा कौन सा अस्त्र यूज़ करते हैं मालूम नहीं। अभी आलिया भट्ट को भी ले लिया और उनका छोटा अभी ब्रह्मास्त्र भी आ रहा है छोटा सा, वो पार्ट टू है या पार्ट थ्री है। तो मेरे हिसाब से पिक्चर तो अच्छी है, देख 500 करोड़ है, करण जोहर ने लगता है मस्त कोई मिल गया क्या इंस्पायर लेके पैसा डाल दिया ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी पिक्चर अच्छी बनाई है, नॉट बैड नॉट बैड, मैं तो बोलूँगा नॉट बैड, मैं तो बोलूँगा नॉट बैड, मैं ऐसा भी नहीं, मैं वर्डिट भी नहीं बोल रहा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर नहीं, लेकिन भाई मैं हेट नहीं कर सकता इस फिल्म को। मैं तो एक बोलूँगा ऑडियंस को, मैं बोलूँगा जनता को बोलूँगा, आप बॉलीवुड के हेट मत करो, मैं खुद बोलता हूँ बॉलीवुड के हेट मत करो, लेकिन फिल्म का एक मेहनत देखो, फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स देखो, वो आयान मुखर्जी इतनी उसकी हाइट इतनी छोटी है लेकिन फिल्म क्या बड़ी बना दी यार, सलाह 2 घंटा 46 मिनट्स की फिल्म है फिर भी 1 सेकंड बोर नहीं हुए, मैं पर्सनली बोर नहीं हुआ, लेकिन सेकंड हाफ में स्क्रीन पे थोड़ा गड़बड़ था, वो लव लव यात्रे वाला वो से थोड़ा एक बोला वाइब्स आया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो माइथोलॉजी दिखाया ना वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि माइथोलॉजी है ना बॉलीवुड में बहुत कम मिलती है, बहुत कम वो टेस्ट है ना वो फील बहुत कम मिलता है। और करण जोहर ने मतलब बनाया, मतलब अल्लाह दिमाग लगाने जैसा यार, मतलब करण जोहर ने बना दिया भाई, लेकिन ठीक है आराम से देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं, बोल रहे थर्ड मुंबई समृद्ध। आप कुछ नहीं, नहीं मैं एक बोलना चाहूँगा गानों के बारे में, जितने भी गाने थे बहुत अच्छे बहुत प्यारे थे, मतलब लव एंगल से भी देखो और बाकी देवों के इसमें भी देखो बहुत अच्छे गाने बने, लेकिन बीजीएम भी ठीक ठाक था, मतलब यस बीजीएम नहीं नहीं बीजीएम नेक्स्ट लेवल था भाई, नहीं नहीं बीजीएम इतना कैची नहीं था, नहीं 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 आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, नहीं नहीं इन्होंने इंटरप्ट किया क्या, नहीं ना तो अभी मेरी बारी है ना, तो बोलने दे नहीं आया, तो बीजीएम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन फर्स्ट थिंग में एक बात बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने खींचा जो फर्स्ट हाफ खींचा, शाहरुख सर और नागार्जुन सर को देखने के सिवा और कुछ उसमें खास नहीं था, और जो स्टार्टिंग का एक गाना था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ है ना विजुअल इफेक्ट धपा धप मुंह पे गिरते हुए दिखेंगे, वीएफएक्स धना धन मुंह पे गिरते हुए दिखेंगे, और स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट आपको स्टोरी टेलिंग मिलेगी अच्छी खासी, ये क्यों चल रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन एट द एंड पर जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी तो अच्छा लगता है, लेकिन सेकेंड हाफ इतना डाउन हो जाता है और लास्ट में तो पूरा दिमाग आउट हो जाता है, जो इतना बोलते हैं ना खींचतान हो जाता है ना, जैसे इन्होंने बोला लव यात्री वाला वाइब आ गया, मेरे को भी बहुत डेंजर आ गया, ठीक है, लेकिन एट द एंड फुल एनिमी टाइप दिखाया उन्होंने, वो भी एक ठीक है बच्चों की तरह, हाँ स्टार्टिंग भी एनिमे टाइप हुआ, कोई बात नहीं चलता है, हम लोग ने एनिमे में बाल हनुमान रिटर्न्स देखा है, सब लोग ने प्यार दिया है, उसमें इतना मस्त लेजेंड सॉन्ग है उल्टा ये दिमाग की है, कितना अच्छा गाना है, लेकिन आप पिक्चर बना रहे हो सर जी, आप एनिमे नहीं बना रहे हो, ठीक है आप बड़े पर्दे पर आ रहे हो, और इस हिसाब से आपको ब्रह्मास्त्र दिखाना चाहिए था, आपने पूरा प्रेम अस्त्र दिखा दिया उसमें, मौनी रॉय हाँ जी, अरे हाँ आपको तो भूल ही गए, ऐसे वो नागिन को नागिन चुड़ैल डायन कुछ भी बोलो यार, नागिन ही है वो, नागिन ही दिखाया, नागिन का एक इफेक्ट दिखाया ना, वो विजुअल इफेक्ट नेक नंबर दिखाया, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा इनसे थोड़ा थोड़ा मैं 50-50 पे जाता हूँ, मैं जब बाहुबली 1 आई थी किसी को स्टोरी टेलिंग पसंद नहीं आई थी, बाहुबली 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहुबली 1 क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखो मेरा पहली बार अपने फिल्म देखे ना बाहुबली 1 तो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन सेकेंड टाइम देखे ना तो पिक्चर क्लिक हो गई, क्योंकि वो एग्जैक्टली स्टोरी क्या रहती है, अभी इसमें लव एंगल दिखा है तो शायद से आयन मुखर्जी शायद अच्छा और स्क्रिप्ट में और थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा चेंजेस लाना, सेकंड पार्ट में ब्रह्मास्त्र का एक्चुअल मीनिंग दिखाएंगे, अरे डेफिनेटली बननी चाहिए, भले अभी का ये पार्ट 1 हिट हो या फ्लॉप वो मुझे नहीं मालूम, वो मुझे नहीं मालूम, अच्छा फर्स्ट डे कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन 75 करोड़ तो इजी पार कर दिया, क्या है ना ये पिक्चर से पर्सनली हमारा तीनों से लेके किसी को भी देखोगे ना आप किसको हेट नहीं है, बस बात इतना है ना कि पिक्चर का है बॉलीवुड का नाम चले, ये 2 पॉइंट है मेरे, पर एक बात कहाँ पे अटक रही है मालूम है आपको, ये जो बॉयकॉट वाला है ये एक बात अटक रही है, और दूसरी बात मेहनत तो लगी है बॉस, बस क्या हो गया है स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में गड़बड़ा है,
विजुअल इफेक्ट वीएफएक्स मुंह पे धड़ाधड़ मारे गए एकदम, दस दस गोनी भर भर के मारे गए। लेकिन मैं एक बोलूंगा ना, ये मार्वल का टक्कर देने जैसे फिल्म है भाई। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। नहीं 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 भाई, ओके ओके, मार्वल्स ना मार्वल्स भाई, आसमान छप्पर पार। फाइनल क्वेश्चन आउट ऑफ 5, ब्रह्मास्त्र साढ़े तीन भाई साहब, मुझे कुछ कहना है रेटिंग से पहले। मुझे ये लगा जब आपके फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस है, दे कुड हैव शोन द बोथ लेजेंड्स इन वन फ्रेम। मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा, बिकॉज दे आर द ग्रेट ऑफ इंडियन सिनेमा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस है ये, तो उन दोनों को एक फ्रेम में दिखाना चाहिए था, मज़ा आ जाता था। कभी खुशी कभी गम देखो, यस यस यस। और पिक्चर की अगर बात करो, जैसे इन्होंने भी कहा है, विजुअल्स 3D इफेक्ट्स बहुत ही बाप लेवल के बनाए, और स्पेशली मुझे देवा देवा सॉन्ग मतलब कि मजबूत लगा। वो रणबीर कपूर आगों के साथ ऐसे खेल जैसे ये रंगों के साथ खेलते नहीं क्या, वो होली में ऐसे लगा रहे जबरदस्त। यस, हम डर गए। अरे आउट ऑफ 5 मूवी के लिए मेरा हॉनेस्ट रेटिंग रहेगा 2.5 दिया है, यहाँ पे 3.5 दिया। आता हूँ हमारे थर्ड समृद्ध के पास। यस सर, देखो मैं स्टोरी लाइनअप को छोड़ दूंगा, रणबीर कपूर आलिया भट्ट का भी छोड़ दूंगा, लेकिन नागार्जुन को थोड़ा कम रोल मिला, इसलिए मैं हाफ स्टार काटता हूँ, और स्टोरी लाइन को हाफ स्टार काटता हूँ। मैं 4 दूंगा। 4 दिए, माय गॉड, सुपर हिट का वर्डिक्ट दे दिया हमारे थर्ड इडियट समृद्ध ने। फर्स्ट ने 3.5, सेकंड ने 2.5, काफी मिक्स रिस्पांस है हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स की तरफ से। yes. आपने देखा है रिव्यू? यस सर, हास्त्र का मोस्ट अवेटेड रिव्यू। यस यस, मैं एक लास्ट बोलता हूँ, हम लोगों ने, मैं बताता हूँ, हम लोग किसी ने पैसा नहीं खाया किसी से बॉलीवुड की तारीफ करने के लिए। मैंने पैसा खाया, मेरे बाप का खाया, अभी कौन बोलेगा मेरे को, बताओ अभी। सुपर ऑनेस्ट रिव्यू दिया हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स ने। यस सर, आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। रिव्यू अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू।